हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिको फास्ट में। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट दूसरा दिन लंच तक भारत का स्कोर 264 रन मात्र एक विकेट के नुकसान पर। और सबसे खासियत, सुमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ने शतक जड़ दिया। दोस्तों, शतक जड़ दिया है दोनों के दोनों प्लेयर, जो अभी नाबाद एक 101 और एक 102 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। बैच बॉल क्या होता है? बैच बॉल ये आप इंडिया से सीखो। 4.5 रन प्रति ओवर से रन बनाए हैं, 30 ओवर में 129 रन बना है अभी लंच के समय तक इंडिया का स्कोर। धागा खोल दिया है भाई, धागा क्या गजब मारा है भाई, मजा आ गया। सुमन गिल कल 27 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, आज उन्होंने 74 रन जड़ करके शानदार शतक लगाया है। और रोहित शर्मा अपने खेल के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होकर के शानदार शतक बनाया है। इस सीरीज का उनका दूसरा शतक है। दोस्तों, क्या खुशी होगी उस फादर को जिसका बेटा बीच मैदान पर शतक मार करके और अभिवादन के तौर पर सर झुका करके अभिवादन करता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है भारत ने और इंग्लैंड के गेंदबाजों को बखिया उधेर कर इतना मारा है कि अभी तक 264 रन बन गया इंडिया का और इंडिया इंग्लैंड के स्कोर 218 रन से बहुत आगे निकल चुका है। और आज अगर पूरा दिन खेल खत्म होने तक मुझे लग रहा है कि शायद 500 पार कर जाएगा इंडिया का स्कोर, अगर सब कुछ सही रहा तो। इतनी सपाट पिच है बैटिंग के लिए, इतनी आसान पिच है, दाद देनी पड़ेगी कल की बॉलिंग इंडिया का जो 218 रन पर पैक कर दिया गया इंग्लैंड टीम को। बहुत ही शानदार शॉट खेलने को मिला, देखने को मिला रोहित शर्मा और सुमन गिल के बल्ले से। पूरे धर्मशाला में अभी बल्ले की गूंज से इंग्लैंड टीमों के दिल पर पत्थर चल रहा है। दोस्तों, सही बोले तो बैच बॉल क्या होता है आज इंडिया ने इंग्लैंड को सिखाया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।